लाहौर में आता है तो फिर नहीं है, ये पूरा आसपास के मोहल्ले में है वासा में, बस ये वाला मोहल्ला वासा में नहीं है। देख ले हमारा हाल देख ले, जब बारिश आती है ना पानी जाता है उसमें, इतना गंदा पानी स्मेल वाला आने लग पड़ता है। फिर बच्चे जाते हैं दूर से फिल्टर से पानी भर के लाते हैं, ये देखे छोटे छोटे बच्चे ये भरने जाते, ये बच्चे पानी भरने जाते हैं। हाँ जी मेरा बेटा चुक सकते हैं पानी में। हाँ जी फिर क्या करें भाई, हम खुद तो नहीं जा सकते इतने कीचड़ से गुजर के। दिखाएं वो किचन आप, देखे उस तरफ चूल्हा, चूल्हा देखे हमने भाई, सब चीजें भाई रखी हुई है ला के, ये मसाले मसूले बर्तन शर्तन, नहीं बैठा नहीं बैठा जाता अंदर, क्या करें इतनी गंदी स्मेल है अंदर। ये देखें जी ये गंदगी देखें, ये घर के अंदर, आपको घर के अंदर के मनाजर में दिखा रहा हूँ, आते जाएं और देखते जाएं, और शेख रोहेल असगर साहब अपनी कारकर्दगी में शर्माते जाएं। ओए होए होए ये देखें, इधर लाइट है अंदर कोई नहीं, लाइट नहीं है, जो बैठा है अंदर लाइट क्या करनी है। ये मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा बहुत ज्यादा, लेकिन ये पानी है, ये किचन है और किचन में कीचड़ है। अंदर 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 जा सकते हैं बाजी, अंदर कैसे अंदर जाएंगे, मैं जाता हूँ कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। ये चूल्हा बाहर है, ये पानी है, मैं अगर इस पे पैर मारूंगा ना ये गंदगी है, और ये नाले का पानी है, ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं किस तरीके से आपको दिखाऊं, मोबाइल लाइट दिखाई दे रहा है मुझे उसामा, मैं आप दिखा देता हूँ, मैं आपको ये मोबाइल की लाइट यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ कि जिस घर के अंदर 5 से 6 बच्चे रहते हैं वहाँ का जो किचन है वो किचन उन्होंने अपना बाहर निकाल लिया लोगों ने। ये देख लें यहाँ फरीसा पास है, ये देखें ये पानी है, ये लाल बेग, ये पानी, ये गंदगी, ये किचन है, इस तरफ दिखाएं फरीसा, ये देखें ये पानी है, क्योंकि बिजली के भी इश्यूज हैं यहाँ पे, लाइट ही कोई नहीं है। तो इस तरह की गंदगी में ये लोग रह रहे हैं। ये नहीं यार सामा वॉशरूम वो देखने के लायक नहीं है, आपसे देखा जाएगा। मैं तो नहीं देखूंगा लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर, ये है खोल दूं उत्तवाड़ी बाजी, इधर आए इधर, ओए 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 फिर सब आए, आप ही दिखाएं। ये देख लें जी शेख रोहेल असगर साहब, देख लें अपने इलाके में सीवरेज सिस्टम, देख लें कि लोग इस गंदगी में रहते हैं। वहीं जिला इंतजामिया दूर बैठ कर ये बात करती है कि जी हमने डेंगू पे स्प्रे करना है, हमने साफ शहर बनाना है, हमने साफ लॉर्ड, इतना मच्छर होता है रात को सोया नहीं जाता बच्चों से, बच्चे रोते देखे खारिश, सब बच्चे को खारिश पड़ी हुई है गंदे पानी से, सारे बच्चों को खारिश है, ये 3 बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, बच्चे बोरो बच्चों को भेजते हैं ये गंदगी की वजह से। मेरी बहन ये इन लोगों के घरों में अगर वॉशरूम का स्मेल आ रही हो ना, हाँ जी तो दरवाजा बंद करते हैं और दूर जाके बैठते हैं। हाँ जी तो ये देख लें, ये हम यहाँ पे सोते हैं बच्चे रात को, अब घर भी एक कमरा भी एक, क्या करें कहाँ जाएं, बच्चे को खिलाएं या बच्चों को घर बनाएं, ये जो खुद सोच सकती है आप क्या हाल है हमारा। बहुत बुरी लात है मेरी बहन, मैं इसलिए हर चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये मासूम बच्चे, ये मुस्तकबिल, और ये देख लें किस गंदगी में रह रहे हैं। ये किचन खड़ा पानी, मैंने लाइट जला के आपको दिखा दी है, वो वॉशरूम और वॉशरूम इस्तेमाल के काबिल नहीं है भाजी, वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करते हो आप, वॉशरूम में कहाँ जाती हैं फिर? साथ वाले घर, हम सारों का घर जाते हैं बच्चों को लेके, सुबह सुबह निकल जाते हैं। उधर ठीक है सिविल सिस्टम? हाँ थोड़ा बहुत है वहाँ पर ठीक है, वरना उधर भी यही हालात। हाँ जी उधर भी यही हालात, बस इससे कम है, क्या करें कहाँ पे जाएं, बाहर भी नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। हाँ जी हाँ जी बच्चे आप हैं, आप इस लोग इज्जत के काबिल हैं और इस गंदगी में आपको रखा हुआ है, अल्लाह माफ करे। मैं जी आगे दिखाता हूँ आपको, ये घर घर की कहानी। हाँ जी चूल्हा बाहर रखा हुआ है, अंदर कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, दिल ही नहीं करता जाने को, हम भी इंसान है जाहिर बात है, इंसान है हम भी।